अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, मैं आपकी मैथ्स टीचर तैयबा अमीर अली। आज से हम मैथ्स का ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट लेंगे यूनिट नंबर वन से। यूनिट नंबर वन, इसका नेम है हमारे पास सेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ सेट। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक प्लेयर्स, टीम्स के प्लेयर्स, फूलों का गुलदान, लेकिन मैथमेटिकली इसे हम एक और टर्म से यूज़ करते हैं इसके लिए, और वो टर्म है सेट्स। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि व्हाट इज़ डिस्टेंट एंड व्हाट इज़ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस मीन्स सेम चीज़ों का एक सेट होना, और वेल डिफाइंड मीन्स ऐसी चीज़ें जिन्हें हम डिफाइंड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई ये क्वेश्चन दे दे कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज़, कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स या कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स, तो आप इनका सेट नहीं बना सकेंगे। अब आप इनका सेट क्यों नहीं बना सकेंगे? क्योंकि जो स्टोरी बुक आपको अच्छी लगती है, इसका यह मतलब तो नहीं है कि वो दूसरे को भी अच्छी हो लगती हो। और जैसे टेस्टी फूड का, कुछ फूड्स आपको पसंद होंगे टेस्टी, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसे वो फूड पसंद नहीं है। इस तरह से हम इनका सेट नहीं बना सकते। सेट जो होता है वो हमेशा वेल डिफाइंड होता है, ऐसी चीज़ जिसे हम डिफाइन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, आप ऐसी चीज़ों का सेट बना सकते हैं जो किसी क्वांटिटी पे डिपेंड करती हो, नॉट इन क्वालिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सेट बना सकते हैं स्टूडेंट्स इन अ क्लास, लेकिन आप इसका सेट नहीं बना सकते हो मैनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन क्लास। इंटेलिजेंट होना किसी की क्वालिटी है, तो हम उसका सेट नहीं बना सकते। तो इन शॉर्ट, सेट हम उन चीज़ों का बना सकते हैं जो वेल डिफाइंड हो, मीन्स जो क्वांटिटी में हो, और जो क्वालिटी में होगी उनका सेट हम नहीं बना सकते। पेज नंबर फोर पे हमें दिया हुआ है सेट नोटेशंस। अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर ए बी सी अप टू सी ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मीन्स हमारे पास अगर कोई सेट होता है तो हम उसे हमेशा कैपिटल इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं, और अगर उसके कोई एलिमेंट्स हैं तो हम उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेट ऑफ पेट्स इज इक्वल टू ए कर्ली ब्रैकेट काउ होर्स एंड गोट। ये हमारे पास तरीके होते हैं सेट को लिखने का। सेट्स ऑफ पेट्स, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट काउ होर्स गोट। इसे हम राइट कैसे करते हैं? काउ जो हमारे पास साइन है ना ई वाला, इट्स मीन्स इज बिलोंग टू या इज एलिमेंट। काउ इज बिलोंग टू ए एंड रीड एज काउ इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या काउ इज बिलोंग टू द सेट ए। सेम ऐसा हमें नीचे गोट की भी एग्जांपल दी हुई है, हम सेम उसी तरह इसे एक्सप्लेन करते हैं, राइट करते हैं सेट को। अब पेज नंबर फाइव पर मूव ऑन करते हैं। इम्पोर्टेंट सेट्स हमें गिवन है, इन्हें हमने लर्न करना है। एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स वो सेट होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ई, सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं। उसके बाद पी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन, थ्री, फाइव एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास है ओ, सेट ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल में नहीं आते। अब इसी पेज नंबर फाइव पे हमें एग्जाम्पल नंबर वन दी गई है। राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स हमें गिवन है, हमें इनके एलिमेंट्स राइट करने हैं। इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। बी इज इक्वल टू ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। सी इज इक्वल टू लाहौर, कराची, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। सॉल्यूशन, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव।
वी कैन राइट देम एस, हम इन्हें इस तरह से भी राइट कर सकते हैं. ए वन इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, टू इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, थ्री इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, फोर इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, फाइव इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए. और इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो भी सेम इसी मेथड से ही होंगे. अब इसी पेज पे हमें एग्जांपल नंबर टू गिवन है, फैदर द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट. हमने बताना है कि ये जो हमें गिवन है ये सेट्स हैं या नहीं. सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्ट मूव ऑन करते हैं. हमारे पास ए जो है वो एक सेट है. ए क्यों सेट है? क्योंकि वो वेल डिफाइंड है और डिस्टेंट भी है. बी बी जो है वो सेट नहीं है. अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वाई बी इज़ नॉट अ सेट, बिकॉज बी में जो टू है वो टू टाइम्स रिपीट हो गया है. और सेट की हमारे पास ये कंडीशन है या ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी डिजिट टू टाइम्स जो है वो रिपीट नहीं होगा. सी इज़ अ सेट, डी इज़ नॉट अ सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स इज नॉट डिस्टेंट. ई इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने ब्रेव बॉयज को नॉमिनेट किया हुआ है और हमें ये नहीं पता कि कौन कितना ब्रेव है. और इन अदर वर्ड्स ये किसी की क्वालिटी है तो हम क्वालिटीज़ पे सेट नहीं बनाते. एफ सेट ऑफ पाकिस्तानी सिंगर्स, यस हम पाकिस्तान के जितने भी सिंगर्स हैं उनका सेट बना सकते हैं. ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टेंट भी. अब हम करने लगे हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1. काइंडली आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लें. ये क्वेश्चन 1, 2 and 3 आपका बुक पे सॉल्व होगा. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सेट और नॉट. हमने बताना है कि गिवन स्टेटमेंट है इसमें से कौन सी सेट है और कौन सी नहीं है. द फाइव प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 सूबों का सेट. अब पाकिस्तान के 5 सूबों का सेट बना सकते हैं ना? यस बना सकते हैं. तो ये क्या है? सेट है. हम यहाँ पर लिखेंगे यस. द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट में आने वाले मुश्किल सवालात का सेट. अब क्लास टेस्ट में जो मुश्किल क्वेश्चंस आए हैं ये मुश्किल डिफ़िकल्ट जो है वो किसी चीज़ की क्या है? क्वालिटी है. तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा क्वेश्चन कितना मुश्किल है, तो ये सेट नहीं है. इसके आगे हम लिख देंगे नो. द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पता है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका सेट आप बना सकते हैं, ये भी यस. द नॉटी बॉय ऑफ द स्ट्रीट, गली में रहने वाले शरारती बच्चों का सेट. अब नॉटी होना किसी की क्वालिटी है, तो किसी की क्वालिटी भी हम सेट नहीं बना सकते, तो ये सेट नहीं है. द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का हम सेट बना सकते हैं. द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यस इसका भी सेट हम बना सकते हैं. द शार्प बॉय ऑफ अ स्कूल, स्कूल के शार्प बॉय का सेट. शार्प मीन्स चलाक बच्चे. अब हमें नहीं पता कि कौन कितना चलाक है, ये उसकी क्या आ गई, क्या क्वालिटी आ गई है, तो इसका हम सेट नहीं बना सकते. द नेचुरल नंबर लेस देन 50, यस बना सकते हैं. द होल नंबर्स लेस देन 9, यस इसका भी हम सेट बना सकते हैं. अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर टू, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज़ इक्वल टू ए बी सी अप टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स. हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है. अब ए इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए. अब आप सेट ए की तरफ आएंगे. सेट ए में देखिए एलिमेंट ए है, सेट ए के एलिमेंट में सेट ए है, तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? टी. नेक्स्ट बी बिलोंग टू सेट ए. फिर आप सेट ए की तरफ जाएंगे,
सेट ए में देखेंगे यहाँ पे बी मौजूद है, बी मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। डी इज नॉट एलिमेंट, ये किसकी साइन है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, डी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम अगेन सेट ए की तरफ जाएंगे, सेट ए में देखिए डी नहीं है और उन्होंने स्टेटमेंट में भी कहा हुआ है कि डी इसका एलिमेंट नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, आप सेट बी में जाएंगे, बी में देखें सी उसका एलिमेंट है लेकिन वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। आई बिलोंग टू ई बी, अब बी की तरफ मूव ऑन करेंगे, बी में आई मौजूद है कि नहीं। अब इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना, ये ए बी सी अप टू जी जा रही है, मीन्स इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो इसमें आई भी आएगा, तो आई जो है वो बी का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रू। आई इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए पे जाएंगे, सेट ए में आई एलिमेंट है, यस है, तो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। एफ इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए की तरफ जाएंगे, सेट ए में देखेंगे हमारे पास एफ मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अब वी बिलोंग टू सेट ए, आप सेट ए में देखेंगे, सेट ए में वी मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। एक्स नॉट बिलोंग टू ए, यस सेट ए में एक्स जो है वो मौजूद नहीं है, स्टेटमेंट ट्रू है। जी बिलोंग टू सेट बी, यस जी बिलोंग करता है सेट बी से। एम इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि बी में के जो एलिमेंट्स है उसमें सब अल्फाबेट्स आ रहे हैं। ए बिलोंग टू सेट बी, यस ट्रू, ए जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग एदर ऑफ द सिंबल इज एन एलिमेंट एंड इज नॉट एलिमेंट वन। अब इस सेट में देखें, इस सेट में वन नहीं है तो हम यहाँ पे लगा देंगे इज नॉट बिलोंग टू या इज नॉट एन एलिमेंट। बी अप टू ए बी सी, अब इस सेट में देखें बी मौजूद है तो बी इसका एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट की साइन लगा देंगे। नेक्स्ट आई द सेट ऑफ वॉवल्स, इंग्लिश वॉवल्स हमें पता है कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो उसमें आई आता है तो ये स्टेटमेंट क्या, इसमें आ जाएगा इस लॉन्ग टू। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग बुक पे सॉल्व करेंगे।